तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे सैमसंग के वन यू आई 7.0 अपडेट के बारे में। दोस्तों यहाँ पर फाइनली अब जो है वो सैमसंग वन यू आई 7.0 का बीटा अपडेट रिलीज करने वाला है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो के अंदर कंप्लीट मैं जानकारी देने वाला हूँ वन यू आई 7.0 बीटा अपडेट के रिलेटेड। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। साथ ही चैनल पे यदि आप पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो सैमसंग मेंबर्स एप्लीकेशन के लिए एक नया अपडेट रिलीज किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5.1.0.0.11 इसका वर्जन है और 23 सितंबर को ये अपडेट रिलीज किया गया है। बेसिकली सैमसंग मेंबर्स ऐप के थ्रू ही आप रजिस्टर कर पाते हैं, वन यू आई 7.0 में इनरोल कर पाते हैं बीटा अपडेट में। तो यहाँ पर इसके लिए फाइनली अपडेट आ चुका है और सैमसंग जो है इस एप्लीकेशन को कंफर्टेबल कर रहा है वन यू आई 7.0 के लिए दोस्तों। तो अगर आप भी इंस्टॉल करना चाहते हैं वन यू आई 7.0 अपडेट तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आपको लेटेस्ट सैमसंग मेंबर्स एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है दोस्तों। और इंस्टॉल करने के बाद जब भी अपडेट आएगा बीटा अपडेट, आप सक्सेसफुली अपने डिवाइस में इंस्टॉल कर पाएंगे अपडेट। तो यहाँ पर मैं करता हूँ अपडेट के बाद इसको ओपन। तो यहाँ पर हल्का सा चेंज किया गया है, जैसे यहाँ पर पहले नोटिफिकेशन का एक आइकन देखने को मिलता था, इसको हल्का सा रीडिज़ाइन किया गया है। इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो वन यू आई 7 का जब भी अपडेट आएगा यहाँ पर आपको नोटिस देखने को मिल जाएगा या फिर आपको एक बैनर के थ्रू यहाँ पर शो करेगा। जैसा अभी बैनर यहाँ पर शो करा है, मल्टीपल बैनर्स, यहीं पर आपको वन यू आई 7.0 का भी बैनर देखने को मिलेगा दोस्तों, कुछ इस तरह से। यहाँ पर आप देख सकते हैं वन यू आई बीटा प्रोग्राम और यहाँ पर आप इस पर क्लिक करके बीटा में इनरोल कर सकते हैं। और ये जो अपडेट है S24 सीरीज के लिए रिलीज किया जाने वाला है। और ये अपडेट कब तक देखने को मिलेगा तो देखिए दोस्तों, रिसेंटली काफ़ी सारे डिवाइसेस में वन यू आई 6.1.1 का अपडेट मिला है दोस्तों, जिसमें काफ़ी सारे AI फीचर्स हैं। तो सभी डिवाइसेस में अपडेट मिल चुका है, चाहे S24 सीरीज हो, S23 सीरीज हो, S22 सीरीज हो, सभी सीरीज में अपडेट मिल चुका है। फोल्डेबल डिवाइसेस में भी अपडेट मिल चुका है, Z Fold 5, Z Flip 5, Z Fold 4, Z Flip 4 में भी अपडेट मिल चुका है। तो अब सैमसंग कभी भी अपडेट रिलीज कर सकता है। तरुण वत्स की तरफ से बताया गया है कि वन यू आई 7.0 के बारे में एक काफ़ी बड़ी गुड न्यूज यहाँ पर वो शेयर करने वाले हैं आज 24 सितंबर को। तो देखते हैं क्या न्यूज आता है। जैसे ही और भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है या फिर अपडेट आता है बीटा अपडेट, आपको मेरे चैनल पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।